नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। जनता, जनमत और जनतंत्र का उफान जोरों पर है। आम आदमी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। वो आदमी जो उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देख रहा होता है अपनी तमाम परेशानियों के हल के लिए, लेकिन वहां से नाउम्मीद होने पर आखिर वो क्या करे। भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की जिस ACR को हरियाणा सरकार ने जीरो कर दिया था, राष्ट्रपति ने उसे आउटस्टैंडिंग करार दिया है। इससे पहले भी राष्ट्रपति 2008 में हस्तक्षेप कर संजीव चतुर्वेदी का निलंबन रद्द कर चुके हैं। 2011 में विभागीय चार्जशीट को भी रद्द कर चुके हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका के मामले में भी हरियाणा सरकार ने ठेका आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद अशोक खेमका का बयान सामने आया था कि विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद ही उन्होंने काम किया था। अशोक खेमका रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच हुई लैंड डील के म्यूटेशन को रद्द करने के बाद चर्चा में आए थे। ये मामले मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त है। तमाम वादों के साथ जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें चुनने वाली जनता उनकी तरफ उम्मीदों के साथ देख रही होती है। पानीपत में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी हुई। एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस युवक ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था और नौकरी न मिलने की वजह से परेशान था और साथ ही अवसाद में भी था। उधर दिल्ली में पानी को लेकर धरना दे रही महिला ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हुड्डा पर हिसार में साल 2010 में भी एक शख्स ने जूता उछाला था, जो हालांकि उन तक पहुंचा नहीं था। 2009 में गृह मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ भी जूता उछाला गया था। 2011 में कृषि मंत्री शरद पवार को एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। सभी दलों ने इन घटनाओं की निंदा की है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिरकार हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहने और शांतिपूर्वक विरोध की भी स्वतंत्रता है। तो क्या ये माना जाए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर हम असफल रहे हैं या हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? आखिर इतना गुस्सा क्यों है मौजूदा व्यवस्था को लेकर और इस तरह से क्यों सामने आ रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतविंदर सिंह राणा, पंचकुला BJP प्रधान विशाल सेठ जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज भी स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ हैं। सतविंदर जी, आपको क्या लगता है, ये जो संजीव चतुर्वेदी का मामला आया, उससे पहले अशोक खेमका का मामला था, बार बार ये आरोप लगे कि सरकार तंग करने की कोशिश करती रही है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है, जिस तरह से खेमका जी का है या फिर चतुर्वेदी जी का है, इसमें सीधे सरकार इंटरफेयर नहीं करती। जो प्रशासनिक नीचे जो भी बातें होती हैं, उन्हीं की वजह से कोई ना कोई कमियां रही होंगी, जिससे कि सीधा या तो ये तो है नहीं कि भी मुख्यमंत्री ने खेमका जी की बात इसी सरकार में नहीं है, पिछली सरकार में भी उनके साथ ऐसी बातें होती थी। उनको वो कभी साइकिल पर चल पड़ते थे, कभी किसी तरह चल पड़ते थे। तो प्रशासनिक बातें जो है, मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, भी उनकी चतुर्वेदी की जी की बातें जो कही है कि भी राष्ट्रपति ने पहले उनकी, पर मैं खुद कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बातें, क्या ईमानदार अफसरों को तंग करने की कोशिश की जाती है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदार अफसरों को तंग नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर वजह क्या है। मतलब मैं आज इस बात को नहीं, अपनी मतलब पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो चतुर्वेदी जी हो या खेमका जी हो, उनके ऊपर जो मतलब ये बात हो के भी उनको सरकार तंग कर रही है, खेमका जी का जो है जिस डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने कोई ना कोई अपने आप ही ऐसा बयान दे दिया जिसमें वो अपने आप ही उलझते गए वहाँ पे, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात हो या किसी, वो प्रशासनिक बातें हैं, उन चीज़ों को नहीं जानता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ईमानदार अफसर हो, उसको इंडिपेंडेंटली जो है काम करना चाहिए। पर हो क्या रहा है, वो सभी देख रहे हैं। राजीव, ये जो कल घटना हुई है, पहले पानीपत में, उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक पर भी गुस्सा निकाला गया, लोगों में गुस्सा है, लगता है कि व्यवस्था के जो मौजूदा व्यवस्था है उससे लोग खुश नहीं हैं, वो गुस्सा लोगों में निकल रहा है और इस तरह से निकल रहा है। बेशक आप
बेहतर विकल्प देने की कोशिश करने की बात कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, दावा भी है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो रहे। कम से कम ऐसी किसी भी घटना को, चिदंबरम साहब के साथ हुई हो, किसी एक के साथ हुई हो, कल हुई हो, पहले हुई हो, कम से कम मैं इस बात को वाजिब नहीं मानता कि कोई ये कहे कि मुझे गुस्सा था इसलिए मैंने किसी पे अटैक किया। ये गुस्सा जाहिर करने का, अपने असंतोष को, अपनी प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका नहीं होता लोकतंत्र में। अधिक से अधिक आप ये कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तब आपको प्रशासन रोके, तब आप कुछ कर रहे हैं दूसरी बात है, परंतु कहीं ना कहीं या तो प्रचार पाने की स्थिति होती है। पर क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में, उसकी मानसिक स्थिति किस व्यक्ति की कैसी है वो मेडिकल का विषय है, वो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में उसकी स्थिति देखी जाएगी कि उसने ऐसा किया। इसमें कई कारण हो सकते हैं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मानसिक अवसाद, ऐसी स्थिति ये पर्टिकुलर इस केस में था। और ये भी वो कह रहा था कि उसे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, नहीं मिला। हरियाणा में अक्सर आरोप लगते रहे हैं सरकारों पर कि चहेतों को नौकरियां दी जाती है, तो क्या लगता है ये आक्रोश है लोगों में? नहीं, इस आक्रोश को इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने समाज में, प्रशासन में जो चीज़ें हो रही हैं, कभी उनके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाई थी? अगर उनको नौकरी मिल जाती तब क्या सारी व्यवस्था ठीक हो जाती? इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई इस तरह की दुस्साहसिक घटना को अंजाम देगा, उस लिए उसको ठीक मान ले और असंतोष मान ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, उसको ठीक तो हम भी नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसका अवसाद हो सकता है किसी का, जैसे इस केस में आपने कहा, कहीं पर किसी का प्रचार पाने का तरीका हो सकता है, किसी का इमोशनल आउटब्रस्ट हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में व्यवस्था को बदलने का यह तरीका नहीं हो सकता। आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और फिर ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति एक इसमें एक्शन कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या कभी आवाज़ उठाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर वो उस लगातार इस तरह की चीज़ करता रहा हो, अपनी आवाज़ उठाता रहा हो, विरोध करता रहा हो, अपनी आवाज़ को कहीं जाकर कहता रहा और नहीं सुनी गई, वो एक स्थिति होती है। परंतु पहली बार कोई व्यक्ति अचानक उठता है, उसके मन में आता है मुझे ऐसा करना है, और या किसी के कहने पे, इन पूरी परिस्थितियों में कोई जाकर किसी पे अटैक करता है, उसको वाजिब नहीं माना जा सकता। अभी कोई अचानक इस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस आए और कहे कि टीवी भी जिस तरह की डिबेट होती है, मैं उसे असहमत हूँ, मैं उसे बहुत परेशान हूँ, हम पे अटैक कर दे, वो हम भी इस घटना की, ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ क्यों इस तरह से लोग सड़कों पर आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सड़कों पे आना और प्रदर्शन करना, विरोध जताना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना, वो एक चीज़ है। सड़क पे चले आना और किसी को अचानक जाकर थप्पड़ मारने की कोशिश करना, जूता फेंकना, उसको उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता। वो बदलाव को और व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ नहीं कहा जा सकता जब तक उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को हम नहीं देखते। हो सकता है कि व्यक्ति किसी संघर्ष में लगातार लगा रहा हो और एक समय तंग आकर उसने ऐसा किया हो, वो एक व्यक्ति की स्थिति होगी। दूसरा व्यक्ति अचानक घर से उठता है या कहीं शराब पीता है और किसी के इशारे पे कुछ करता है, उनको हमें अलग अलग करके देखना होगा। ऐसी हर घटना को एक ही सांचे में ढालकर नहीं देखा जा सकता, परंतु किसी भी सांचे में वो हो, इस तरह के अटैक करने की स्थिति को, वो किसी पर भी हो, उसको हम वाजिब नहीं ठहरा सकते, ऐसा मेरा मानना है। सतेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज जो है, मैं गुदारा साहब की बात से बड़ा सहमत हूँ कि जो सोच जो है हमारी बहुत छोटी हो चुकी है। जो ऐसे नौजवान हैं या तो किसी की बहकाई में आते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है। आज ये कहना कि भी उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने ये काम कर दिया, कल को किसी दूसरे पे ऐसा दूसरा कर देगा, परसों तीसरा कर जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर भी आप गुदारा साहब को कहते हैं कि भी सड़कों पे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अब मैं इनकी बात पे भी बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने ही सिखाया था भी सड़कों पे आके संघर्ष करो, और उसके बाद हुआ। अभी पीछे ये गेस्ट टीचर थे दिल्ली में, उन्होंने 10 दिन संघर्ष किया, वहाँ सड़कों पे आए वो, और सड़कों पे आने के बाद 10 दिन के बाद उनको थ्रेट करके दोबारा से भी तुम्हारे को हटा के दूसरे को नौकरी दे देंगे वापस। ऐसे ही जो ट्रांसपोर्ट के जो है, वहाँ लोगों की इतनी परेशानी, 3-4 दिन हड़ताल ले रही, वो अपने धरने पे बैठ गए। ये भी नहीं एक मसला है कि भी किसी बात पे लेके धरना दे देना, किसी बात को लेके ये हल नहीं है। ये हल नहीं है विशाल, आपको क्या लगता है हल क्या है फिर? देखिए, पहले तो मैं जो इसका हल, व्यवस्था में परिवर्तन इसका हल है। आप जो ये जो भी ये जो अटैक हो रहे हैं या जो जिस प्रकार के, ये सारे मामले व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इसकी भर्त्सना हम भी करते हैं, किंतु पर आप सोचिए कि आम जनता इन बातों पे क्यों उतर रही है? क्योंकि जनता का इतना शोषण किया जा रहा है, उनको हाशिए पर लेके जाया जा रहा है,
दूसरी बात जो आप अभी पीछे इन्होंने मेरे साथ बात की, अभी सत्येंद्र जी ने बात कही कि खेमका जी वाली बात या सत्येंद्र चतुर्वेदी जी वाली बात, संजीव चतुर्वेदी जी वाली बात, आप एक बात देखिए कि जो भी एक हमारा आईएएस ऑफिसर या कोई भी हमारा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, इतना साहस करता है कि अपनी बात को आगे रख सके, सच्चाई को आगे रखे, उसको ये दुस्साहसी कांग्रेस, एक सेकंड, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था जी, वो दुस्साहसी कांग्रेस ने जो इन लोगों का साहस तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसका जवाब 2014 के चुनाव में हरियाणा की जनता या देश की जनता इनको देगी। अजय, किस तरह से देखते हैं ये पूरे जो मामले हैं, जो इस स्टोरी में भी मैंने दिखाया कि संजीव चतुर्वेदी वाला मामला, अशोक खेमका वाला वाला, ये सारे व्यवस्था से जुड़े, उसके बाद जो आक्रोश लोगों में दिख रहा है, इसके दो पक्ष हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ हैंडल करने की कैपेसिटी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि आम आदमी से एक बंदा उठता है और वो एक अनएथिकल बिहेवियर से अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करता है। दो पक्ष हैं सारे आपकी जो वार्तालाप अभी तक हुई है। सीएम साहब ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की क्योंकि दे वर नॉट फॉलोइंग इन लाइन, दिस इज नॉट डन, मतलब ये बिल्कुल एज ए चीफ मिनिस्टर ही शुड नॉट हैव डन इट। इससे उनकी बौखलाहट ही नज़र आती है, इससे ये सिर्फ नज़र आता है कि वो ही इज़ नॉट फर्मली एंट्रेंच्ड इन हिज गवर्नेंस। एक आम आदमी ने जो दुस्साहस किया है चीफ मिनिस्टर के ऊपर हाथ उठाने का, ये निंदनीय है, लेकिन ये प्रदर्शित करता है कि आम लोगों में कहीं ना कहीं कुछ रोष है, आक्रोश है, जो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। मैं सहमत हूँ गुरदारा जी से कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, उसके लिए और मंच हैं, सब कुछ है, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी अभी इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। एक चीफ मिनिस्टर जाके सड़क पे सो जाते हैं एक सारी रात, आज तक कोई चीफ मिनिस्टर सोए नहीं है, कोई भी ग्राउस हो उनका, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के एक नए आयाम है, एक नई डायमेंशन है। जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे उन्होंने खुद ही जाके कैंडिडेट तारें काटी हैं, बिजली की दिल्ली में तारें काटी, ठीक है ना, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए पूरा काम किया, सारे समाज को एक निर्देश दिया कि ये व्यवस्था है, उसको अव्यवस्थित करने के लिए हमें आउट ऑफ, अगर उसमें बदलाव लाना है तो इसे इस तरह से, बदलाव अगर हमें लाना है तो हमें डेमोक्रेटिकली ही लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो किया उन्होंने अपने अंदाज से किया, वो भी आप कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं वो हमें पता ही है कि अरविंद केजरीवाल जब मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, नो, आई एम नॉट नेमिंग अ पर्सन, आई एम नेमिंग अ चीफ मिनिस्टर, आई एम सेइंग अ चीफ मिनिस्टर गोइंग एंड स्लीपिंग ऑन द रोड्स टू प्रोटेस्ट। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किस लिए, मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन है मेरे लिए, वो चीफ मिनिस्टर है को बचाने के लिए, मेरे लिए वो चीफ मिनिस्टर है, उसके पास एक डेमोक्रेटिक तरीका है काम करने का, असेंबली में लाए वो इश्यूज को, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करे, असेंबली में अपना रेजोल्यूशन पास करने के बाद पार्लियामेंट को भेजे, प्रेसिडेंट को भेजे। डेमोक्रेसी है, एक मर्यादा में चलती है, एक उसमें चलती है। अगर आपने ऐसे ही सब कुछ, यानी कि आपने जब विरोध करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्यादित है ये अमर्यादित है। अमर अब्दुल्ला अब नहीं चाहते हैं कि आर्मी वहां हो, क्या अमर अब्दुल्ला आर्मी हेडक्वार्टर पे आके धरना दे देंगे? ठीक, क्या वो वहां के सो जाएंगे और आके ये कहेंगे कि हमें आर्मी नहीं चाहिए J&K में, तो हमें आर्मी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सोया हूँ 15 दिन के लिए सड़क पे। बादल साहब की कई प्रॉब्लम्स हैं विच आर इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्प्लिकेशंस, विल ही गो एंड डेमोन्स्ट्रेट लाइक अ ट्रेड यूनियन लीडर? सियासत में बदलाव आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बदलाव आ रहा है, क्या जिस वो सही तरीके है से एग्जांपल्स रखी या जा रही नहीं है? इसी पर चर्चा करेंगे, एक अजय ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ बात खत्म करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि इस डेमोक्रेसी की ग्रोथ में एग्जांपल्स जो हैं वो अनहेल्दी ले किए जा रहे हैं, जैसे इस बच्चे ने आज चीफ मिनिस्टर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, ये ही मस्ट हैव फॉलोड एन एग्जांपल जो भाई साहब ने बताया था कि चिदंबरम के ऊपर या और चिदंबरम शरद पवार के और या उससे पहले ओबामा के ऊपर, ठीक है ना, ये चीजें पीपल पिक अप थ्रेड्स, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि
दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट योर रिजेंटमेंट. अच्छा, दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी में अगर एक लीडर इलेक्ट हुआ है, जैसे मैं पहले एग्जांपल दिया कि एक चीफ मिनिस्टर को सड़क पे जाके प्रदर्शन करने का, ये हमारी परंपरा नहीं, एक मर्यादा है डेमोक्रेसी की. उसमें कहीं ले डाउन नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट ले डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ परंपराएं हैं, कुछ ग्रेस है ऑफिस की, कुछ डिग्निटी है एक काम को करने की, तरीके की, विच दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैज ट्राइड टू रीडिफाइन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत, जो उससे संदेश भी आपको लगता है आम जनता में जा रहा है वो गलत है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी ये मंथन का विषय है. गलत क्या है, ठीक क्या है, ये शायद मंथन के बाद निकलेगा और मंथन में समय लगता है. उन्होंने एक नई प्रक्रिया दिखाई है कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन भी गया हूँ, बट आई डोंट केयर फॉर द ग्रेस एंड डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, आई विल स्टिल गो. मैं अभी भी सड़क पे जाऊंगा और लेटूंगा एक प्रदर्शनकारी की तरह. प्रदर्शन वो भी है, प्रदर्शन प्रदर्शनकारी की तरह. अब वो क्या कल को प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार सकते हैं कि नहीं? प्रदर्शन की जो भावना है, प्रदर्शन की जो एक्सप्रेशन है, ये विकृत होता जा रहा है. ये जो डायसेंट की जो वॉइस है, इट इज गेटिंग विकृत. सॉरी, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा नहीं, आप है. जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अगर मैंने मतभेद एक्सप्रेस करना है, उसको मतभेद को एक्सप्रेस करने की जो मेरी परिभाषा है, तरीका जो है वो विकृत, जो तरीका है वो विकृत हो रही है. वो चाहे राजीव आप जवाब देना चाहेंगे, वहां तो आपने कहा कि जो भी इस युवक ने कोशिश की, हरकत की, वो निंदनीय है. यहाँ अरविंद केजरीवाल के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने जो किया. दो तीन बातें अजय भाई ने कही, और एक बात यह आई कि आम जनता ऐसे कर रही है ना. मुझे नहीं लगता कि आम जनता इस तरह कदम उठा रही है कि नेताओं को थप्पड़ मारेगी. कुछ चंद घटनाएं हमारे सामने, उसको आम जनता नहीं कहना चाहिए. याद रखना चाहिए कि इतने पिछले सालों में कितनी घटनाएं आपने दिखाई, 2-4-5 और होंगी. एक तो वो रखना चाहिए, बड़े मुहावरे में अचानक लपेट नहीं ले चीज़ों को. दूसरा, अजय भाई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था उसने कनेक्शन काटे. उसने काटे नहीं, उसने जोड़े थे. मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से बताना चाहता हूँ. इसके बाद धरना और उसके मर्यादा और एक पोस्ट के मर्यादा की इन्होंने बात की. इन्होंने एक सुंदर बात कही कि डेमोक्रेसी रीडिफाइन हो रही है. मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि डेमोक्रेसी अपना नया शेप ले रही है. डेमोक्रेसी को रीडिफाइन होना है, उसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसको विकृति कहते हैं. डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के अहिंसात्मक, जिसमें वॉयलेंस नहीं हो, उस तरह के रास्ते चुनना, मैं उसको विकृति नहीं मानता. किसी तरह के भी हो सकते हैं. ये हमने जो बना लिया कि मुख्यमंत्री कोई बन गया, उसको काले शीशे के और बहुत सिक्योरिटी के पीछे बैठना है, लोग उसके बाहर खड़े होकर लाइनों में खड़े रहेंगे. अगर आप यहाँ चंडीगढ़ में जाएं, एक रोड है सेक्रेटरीट के बीच में, वहाँ जाएं तो आप देखेंगे लोग सड़क के बाहर किस तरह खड़े रहते हैं. अगर वो स्थिति हमें बनानी है, डेमोक्रेसी उसे हम मानते हैं, तो वो राजतंत्र है जिसमें जो राजा बन जाता है मुख्यमंत्री बनकर, वो वैसे आवाज सुनता है. वो लाइन तो केजरीवाल जी के सामने भी लेती है, केजरीवाल जी के ऑफिस के सामने भी. आप संयम रखेंगे थोड़ा, क्योंकि मैंने काफी संयम रखा था, आप लंबा बोले थे. नहीं नहीं, ये जो प्रवचन संयम का नहीं हो रहा है, ये डिबेट का हो रहा है. सर, आपका प्रवचन ही हमने सुना था जो तथ्यहीन था, जिसमें कोई लॉजिक नहीं था. चलिए, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं विशाल जी के पास जाना चाहूंगी. आप प्रवचन दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसके बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगी जी. डेमोक्रेसी की जिस आवाज को अरविंद केजरीवाल ने उठाया, कुंठित काफी लग रहा है. सर, आप कुंठित अपनी आपने जाहिर की, उसकी बात आपने नहीं देखी. अब बहस को इस तरफ ले जाना चाहते हैं और आपको बात, चलिए ये बात खत्म कर ले, उसके बाद मैं इधर जाऊंगी. उसके बाद फाइनली अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें दिल्ली पुलिस को वहाँ की राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए, उसके साथ पावर मिलना चाहिए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो पहले मांग थी मैनिफेस्टो में, उसको उठाने के लिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए सड़क पर आकर अपने इस बात कही. वो जनता का प्रतिनिधि है, दिल्ली की जनता की आवाज कहने के लिए. ये बात अजय ने भी कही ना कि उसका एक तरीका होता है, आप विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आते. मैंने कहा, अजय ने जो कहा आगे की प्रक्रिया हो रही है, मैंने कहा वो ठीक है. रीडिफाइन होने के बाद से मुझे कोई सहमति नहीं है, इसमें बहस हो गई. और ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री बैठा है तो उसमें बहस हो रही है. पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी हुआ है.
इस देश में ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व भी हम करते रहे हैं जिन्होंने संविधान जलाने की बात भी की, उनके हम कार्यकारी बनते हैं, उनके हम पदाधिकारी बनते हैं, उनके राज में काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। गणतंत्र देश पे तो खुद केजरीवाल जी ने तो क्या उस दौर में जा रहे हैं लोकतंत्र में होते हुए भी? मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आपको अपनी आवाज उठाने के लिए आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब भी आप जनता है, उनकी आवाज को उठाने के लिए जो आपको रास्ता चुनने चुनिए, गृहमंत्री को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, पुलिस रोक देगी, जाने नहीं देंगे, और वहां के दिल्ली का मुख्यमंत्री को नहीं जाने देंगे किसी राज्य को, वो अपनी बात कहने के लिए बैठ जाए कि हमारी बात सुनिए, और नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं। ये जो युवकों ने हरकत की है वो भी ये कह सकते हैं कि मैं अपनी बात कहने गया था, ये तरीका अगर बात कहने का आपको ठीक लगता है तो कह सकते हैं। अगर किसी की सब्जी है, इस पर सवाल है कि वो इन दोनों चीजों में समानता हिंसा पर उतारे हुए थे, तो ये उनकी समझ है। मुझे लगता है दोनों में बहुत अंतर है। एक मुख्यमंत्री का या किसी प्रतिनिधि का या जनता का धरने पे बैठ जाना, अपनी आवाज कहने के लिए कहना कि हमारा मेमोरेंडम लीजिए, हमारी बात सुनिए, और थप्पड़ मारना, इसमें समानता दिखती है तो उनकी मर्जी है। मैं एक छोटा सा इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जिन मुख्यमंत्री की बात हो रही है उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत कमजोर है। पहली बात देखिए, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। छोटा बच्चा, उसकी जब कोई बात नहीं मानी जाती वो सड़क पर लेट जाता है, किंतु जब वो एक बाप बन जाता है, वो अभिभावक बनता है, गार्डियन बन जाता है, उसके प्रदर्शन करने का तरीका भी भिन्न होता है, फैसले लेने का तरीका भी भिन्न होता है, और वो जिम्मेवारी का एहसास भी उसके अंदर अधिक होना चाहिए। तब वो सड़क पर लेट के चीज़ नहीं मनवाता। मैं जब बच्चा था शायद मैं सड़क पर लेट के अपने पिताजी से कोई जिद मनवाने की प्रयास करता था, किंतु जब मैं अब एक बाप की हैसियत में आया, एक गार्डियन की हैसियत में आया, तब मैंने सड़क पर लेट कर अपनी जिद मनवाने का प्रयास अपने पिताजी से नहीं किया। तो हमें उनको एक व्यवहारिक पक्ष भी देखना चाहिए। जब वो एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री बन गए, नाउ ही इज गार्डियन ऑफ अ स्टेट, प्लीज ही इज अ गार्डियन ऑफ द स्टेट एंड ही शुड बिहेव अकॉर्डिंगली। उनके आचरण में बहुत मैच्योरिटी होनी चाहिए, अपनी बात कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, मुझे ऊपर कहाँ लेके जानी है, और अगर वो बात को अपने पक्ष को इस प्रकार से अच्छे प्रकार से नहीं रख पाएंगे तभी वो सड़कों पर लेटेगा व्यक्ति। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आकर राजीव आपके और कांग्रेस में सतविंदर जी की प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद मैं अजय जी के पास सतविंदर जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुझे कुछ अपने इसके बाद आ रही हूँ सर फाइनली, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाद आप ही की प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है, अभी जैसे अपना हमारे अजय जी ने जो बात कही कि भी एक मुख्यमंत्री किस तरह से जो है सड़कों पे आ जाते हैं, मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि आज जो आम आदमी पार्टी है, जब से इन्होंने चुनाव लड़ा है और जब से इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, ये बात मैं नहीं कहता, ये तो अगला चुनाव देख रहे हैं कि भी पार्लियामेंट का चुनाव हम किस तरह से उस पार्लियामेंट चुनाव तक जाने दिए। खुद कहते हैं कि हमने सरकार चलानी नहीं है और हमने इनको पकड़ के बैठा रखा है कि हमने सरकार चलवानी है। 15 साल दिल्ली में आप ही की सरकार, यस हमारी सरकार थी, पर हाशिए पर आ गई आप, नहीं नहीं हाशिए पे आ गई, पर हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जिस तरह से, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के खिलाफ हमारी सरकार हाशिए पे आई, उन्हें विकल्प दिखाई नहीं, उनको विकल्प नहीं, उनको झूठे सपने दिखाए गए, जिस तरह से कनेक्शन जोड़े गए 10 लाख आदमियों को जो है झूठा वादा कि 50% जो है तुम्हें बिजली के आपने जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए थे, और जो ये कनेक्शन जोड़ेंगे ऐसे वादे करके, क्योंकि सरकार हमारी थी, हमारे को तो नहीं रोका तो इनको है, भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी सरकार बनने जा रही थी। हमारे को तो ये है कि हमने तो इनको ये कहा कि इन्होंने जिस तरह से लोगों को गुमराह करके, ये मैं नहीं कहता, इनके एक विधायक बिन्नी जी जिनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, आज वो खुद कहते हैं कि केजरीवाल से जैसे से झूठा कोई आदमी है ही नहीं है, ये बात तो उनकी कह है। और आज ये जो अब जो आज भी ड्रामा हुआ है या कल हुआ है, ये सारा ड्रामा इनको जो है चैनल पे आने पे है, ये सब मिले हुए हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोकप्रियता, कि हम लोकप्रियता के कारण कभी सड़कों पे आ जाना, लोकप्रियता की वजह से ये लोकप्रियता हासिल करने की वजह के लिए ये कर रहे हैं, अजार्कता मतलब फलाने के चक्कर में, और उसके में उसी के चक्कर में ये जो है आज देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। आज दिल्ली त्राही त्राही हो रही है, दिल्ली में जो है धरने प्रदर्शन, आज मंडी अनाज मंडी बंद, आज फलानी चीज बंद। सतविंदर जी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार रही, उस मुद्दे पर तो आते नहीं, आपको नहीं लगता लोग परेशान हैं? ये मैं कहता हूँ कि अगर महंगाई और वो हुई आज मंदी क्या मार, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान में नहीं, सारे वर्ल्ड में है मंदी। थी सरकार आपकी थी, हमने फिर हम तो भुगत रहे, हमने तो सजा मिल गई, हम तो बाहर आ गए, यही तो चर्चा का विषय है ना। मैं जिनको हमने राणा जी भी पूरी नहीं हुई सजा, पूरे देश में मिलने वाली है,
पूरे देश में तो पहले दिल्ली वाले तुम्हें देख के बना के पछता रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, एक मुख्यमंत्री सड़क पे आ जाता है सर, रात को 3 बजे मंत्री चैनल वाला को लेकर जाता है, 3 बजे चैनल वाले बैठे होते हैं कि मंत्री जी के पास के भी मैं तुम्हारे को मतलब के ये दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पे मैं पुलिस वालों से झगड़ा करूंगा और ये विदेशी महिलाओं को जेल में। ये तो है कि आपकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल, तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना और लग रहा है कि वो विश्वास आप पूरा कर पा रहे हैं। 1 महीने हुआ आपके सरकार के कार्यकाल को, उसमें किस हद तक आप कोशिश कर पाए हैं? राजेंद्र, 2-3 तरह से जवाब दिया जा सकता है। पहला जवाब तो इस तरह से दिया जा सकता है कि राणा जी ने जो दिल्ली की बात की, मैं हरियाणा की तुलना करूं और इधर बात को ले जाऊं, एक जवाब हो सकता है। परंतु हरियाणा की सरकार में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिस पे बात की जाए। हरियाणा में तो जो है सर, मतलब राणा जी सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी रॉबर्ट वाड्रा का मैंने जिक्र नहीं किया, पहले क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अभी मैंने जिक्र नहीं किया, देखिए बात किया है। हरियाणा में गैस टीचर क्या करते हैं, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सीएलयू के नाम पर सरकार ने क्या लूटा, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अभी तक हमने तो निकाले नहीं गैस टीचर, हमने तो गैस टीचर नहीं निकाले, मैंने भी जिक्र नहीं किया। मैंने कहा एक तरीका ये हो सकता है, मैं वो तरीका नहीं अपना रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ भाई। दिल्ली के मामले में जो वायदों की बात है, इस देश के 2 तरीके उसके भी हो सकते हैं। एक, अब तक बाकी सरकारों की अपेक्षा इस सरकार ने क्या किया है, उनकी गति किस तरह रही, एक वो हो सकता है। और दूसरा, एकदम बेरहम समीक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार की होनी चाहिए, जो हो सकती है और वो होनी चाहिए, हो भी रही है। हाँ, राणा जी ने उसी की बात की, इसलिए मैं न्यूनतम उसी की बात करूंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि हमने जो कहा है कि हम व्यवस्था तुलना भी होगी राजीव, क्योंकि आप हरियाणा में भी आ ही रहे हैं पूरे देश में। चुनाव के दौरान सरकारों ने क्या किया है उसकी तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। बिजली 24 घंटे देंगे, हरियाणा कितने सालों से सुनता रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में जितने वादे सरकार ने किए, लगातार उन पर काम कर रही है, चाहे सिखों के मामले में SIT बनाने की मांग की बात हो, चाहे वहाँ को पूर्ण दर्जा दिलाने की बात हो, चाहे पानी और बिजली का मामला हो, इन पर लगातार बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है, बिना मांगे जिन्होंने समर्थन दिया था, कि सरकार तो बर्बाद कर रही है दिल्ली को, तो उनको तुरंत चाहिए ना कि वो समर्थन वापस ले लें। तो आप रिजाइन कर दो ना, अगर आपके बात की नहीं है तो सर, हमने तो आपको ये कहा कि आप देखिए, आप उस समर्थन का ना तो फैसला कर सकते हैं। नहीं, हम क्या, हमने तो 6 महीने के लिए दे दिया, हम 6 महीने कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, आपने 7 साल में, एक मिनट सर, आपने 7 साल में कुछ नहीं किया, 6 में क्या किया? देखिए, हमने 7 साल में हमने जो है 10 साल के अंदर, बिन्नी वाली आपने बात कही, आप इस देश में कितने कांग्रेस के नेता हुए, इंद्रजीत समेत जो यहाँ के MP थे, एक विधायक किसी पार्टी का है तो उसको हक है, उसको जो लगता है उसको कहना चाहिए, उसकी समीक्षा हमें तथ्यों के मुताबिक करनी होगी। मैं नहीं कहता कि वो जो कह रहा है उसको एकदम आउटराइटली खारिज कर देना चाहिए, जो वहाँ के तथ्य हैं, सरकार ने जिस तरह की बात की, समीक्षा वो होनी चाहिए। अगर हम हरियाणा की उससे तुलना करने लगेंगे तो मुझे लगता है वो बेकार की तुलना होगी। इसलिए दिल्ली में जो सरकार ने कहा है, और दूसरा जो मुख्यमंत्री का वहां धरना देने की बात थी, जिसका सेठ साहब ने जिक्र किया कि अभिभावक बनने के आपके बाद क्या करना होता है, मुख्यमंत्री सिर्फ अभिभावक नहीं बनता है। अभी तक हमारे यहाँ परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री राज करने वाला बनता है, जिसको ऑफिस से बाहर नहीं आना, जनता की आवाज नहीं सुनना, वो दिल्ली की जनता की आवाज थी सेठ साहब, वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। और दिल्ली की जनता किससे आवाज थी, मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं, एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई स्टेट अपनी जो मांग करता है वो थी। पंजाब को हमने देखा, विधानसभा में किस तरह का प्रस्ताव पास हुआ, उस तरह का प्रस्ताव पास कर दें आप और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दें, या आप कहें कि हमारी मांग है और इसके लिए अगर हमें मेमोरेंडम भी आप नहीं लेंगे तो मेमोरेंडम नहीं जब तक लेंगे तब बैठे हैं। ये एक न्यूनतम चीज़ है। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने सरकार और अपने मुख्यमंत्री के उस अहदे को छोड़कर जनता के बीच में आकर बैठना, जनता के बीच में सोना, वहीं बैठकर अपनी बात कहना, ये एक नए लोकतांत्रिक परिभाषा की बात है, इसको समझने की जरूरत है। अब तक जिस परिभाषा में हम जिए हैं उसके अनुरूप नहीं होगी, परंतु हमें रोज नई परिभाषाएं गढ़नी हैं, रोज नई परिभाषाएं बनी हैं। जी विशाल जी, ऐसा है जी, जो इन्होंने अभी बात कही कि ये सब बातें जो आप है उलझाने का प्रयास कर रही है, इन्होंने कभी तो पुलिस वाला केस लगा देंगे, कभी ये कुछ, इन्होंने अभी तक ना तो विकास की बात की दिल्ली के, ना इन लोगों ने महिला सुरक्षा की बात की। ये बोलते थे कि शीला दीक्षित फेल है, कोई भी फेल है सरकार के, रेप्स हो रहे हैं, क्या इनके आने के बाद कोई रेप कम हुआ ना महिला? एक सेकंड, आप सवाल है कि मैं दिल्ली पुलिस जो एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, अंदर नहीं है आप बात तो सुनिए, फिर आप शीला दीक्षित पे क्यों आरोप लगा रहे थे? एक सेकंड, मैं वापस दिल्ली से, मैं वापस हरियाणा में आइए, सुनिए, मैं हरियाणा में आना चाहती हूँ, एक मिनट सुनिए, आप हरियाणा में जो मौजूदा विकास की बात करते हैं हरियाणा के लिए, कोई भी आप वाले ना सुरक्षा की, ना कांग्रेस करे, ना ये लोग
किसी इंडस्ट्री कांग्रेस तो कह रही है कि विकास के दम पर हम लोगों से वोट लेने जाएंगे। तभी तो बीजेपी ने इनको जीडीपी दिया था 8.6% और इन्होंने कर दिया 4.8%। ये विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए, हिंदुस्तान का जो भी जीडीपी अभी बचा है वो केवल भाजपा शासित प्रदेशों के कारण बचा हुआ है। दूसरी बात, ना बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, युवा परेशान है, ना किसानों को समर्थन मूल्य की कोई बात करते हैं, ना ये शिक्षा सेवाओं की बात करते हैं, ना ये स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं आगे हैं। तो आप आज सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए, क्या है, कोई अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं है। सर साहब गए नहीं है सरकारी स्कूल में? क्यों नहीं, मैं रोज मैं जाते क्या, किसी से पूछ लो किसी का बच्चा, आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? आप कह रहे हो गए नहीं। अगर आपको लगता है कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है तो आप बताइए आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े। अजय जी आप ये बताइए मेरे को, ठीक है जो भी निकल कर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली में सरकार है तो उससे एक तुलना हो जाती है। मौजूदा व्यवस्था की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे कांग्रेस विकास का दम भरती फिरती है, लेकिन यहाँ बीजेपी और विपक्ष है, इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी तमाम सवाल उठाता है। क्या लग रहा है व्यवस्था में बदलाव कैसे आएगा? व्यवस्था में बदलाव एक हेल्दी तरीके से आना चाहिए, मैं पर्सनली फील करता हूँ। व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए अगर आप स्ट्रीट्स पे जाते हैं, अगर सड़कों पे जाते हैं, अगर आप हथियार उठाते हैं, तो ये थोड़ा चिंतनीय है। व्यवस्था पे बदलाव लाने के लिए माओइज्म भी काम कर रहा है, व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए केजरीवाल जी भी काम कर रहे हैं, व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए वो बच्चा भी काम कर रहा है जिसने थप्पड़ मारा है। मेरे लिए एक आम नागरिक के नाते मेरे लिए चिंता का विषय है कि व्यवस्था को, व्यवस्थित लोग जो व्यवस्था को चला रहे हैं वो व्यवस्था के प्रति चिंतनीय नहीं है, व्यवस्था के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये आप सभी दलों की बात कर रहे हैं? मैं एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, मैं आम नागरिक मतलब आम पार्टी का नहीं, मतलब एक नागरिक और पत्रकार की हैसियत से बात कर रहा हूँ। वायलेंस एंड प्रोटेस्ट अगर सड़कों पे उतरता है तो ये चिंता का विषय है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आम आदमी की बात को प्रतिबिंबित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हैज ए राइट टू गो एंड स्लीप ऑन द रोड। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल से आई पिक अप एन आर्म, मैं बंदूक उठाता हूँ क्योंकि मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। नवीन पटनायक ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पिछवाड़े में कई लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। कोई और चीफ मिनिस्टर भी आ सकते हैं। इज दिस ए हेल्दी साइन फॉर अस? आई एम वरीड अबाउट इट। मैं क्या तरीका हो सकता है अजय जी, ताकि जो व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोग हैं, जो जब चुने जाते हैं 5 साल के लिए, तो वो ये भूल जाते हैं कि हम किस लिए यहाँ पर आए? नहीं, नहीं नहीं नहीं, जब चुने जाते हैं तो वो लोगों का मैंडेट लेके आते हैं, लोगों के रिस्पेक्ट लेके आते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल जी को लोगों ने रिस्पेक्ट दी है, केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है, केजरीवाल जी को उन्होंने थापी दी। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रही हूँ अजय, मैं सभी दलों की, मैं सभी सरकारों की बात कर रही हूँ, मैं सभी सरकारों की बात कर रही हूँ, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो। मैं किसी भी चीफ मिनिस्टर और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अमर अब्दुल्ला का जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर वो चाहता है कि आर्मी बाहर निकल जानी चाहिए, क्या वो बंदूक लेके दिल्ली में जाके दंडन शुरू कर देगा क्या? प्रोटेस्ट करने का, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी कि मेरी स्टेट में जो सेंटर की वजह से हो रहा है। भाई साहब ने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की है, बादल इज नॉट हैप्पी विद द कंट्री, जयललिता इज नॉट हैप्पी विद द कंट्री, यू नो बंगाल में ममता इज नॉट हैप्पी विद द कंट्री। फेडरल स्ट्रक्चर से कोई भी रीजनल पार्टी का चीफ मिनिस्टर हैप्पी नहीं है, ठीक। लेकिन क्या ये हमारे कंट्री के लिए एक हेल्दी प्रेसिडेंट होगा कि सारे चीफ मिनिस्टर, इमेजिन करो 12 चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आके फेडरल कॉज के लिए धरना दे देते हैं, कोई बंदूक भी उठा सकता है? क्यों नहीं उठा सकता? हर आदमी मफलर डाल के तो नहीं घूमता ना, कोई आदमी बंदूक लेके भी घूम सकता है। इज दिस द राइट एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन का, इज दिस द ग्रेसफुल वे टू प्रोटेस्ट? मैं इस चीज के बारे में वरीड, और मैं उस अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में भी वरीड हूँ जिसने कभी दिल्ली में चिदंबरम के ऊपर जूता उठाया, या जिसने कभी दुस्साहस किया चीफ मिनिस्टर के ऊपर। मैं हुड्डा जी के प्रति कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का ऐसे उठ के जाना और आगे जाना, हालांकि पुलिस ने उसके साथ क्या किया होगा ये वो बच्चा ही जानता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई आवेश होगा, कहीं ना कहीं कोई आग होगी, कहीं ना कहीं कुछ उसे बाद में छोड़ दिया गया, ये सुना था उसी दिन उसे छोड़ दिया गया।
लेकिन फिर भी ये अनहेल्दी एंड वेरी शेमफुल तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, दीज आर वेरी अनहेल्दी प्रेसिडेंट्स। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि डेमोंस्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट शुड नॉट गो टू द स्ट्रीट्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो और चाहे आम आदमी। सड़कों पर ये प्रदर्शन नहीं होने चाहिए राजीव। कल को बंदूकें भी उठ सकती हैं, कल को बारूद भी उठ सकती है। अजय जी ने जो कहा कि प्रोटेस्ट सड़क पे नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे लोकतंत्र के बारे में नहीं जानता जिसमें प्रोटेस्ट और अपनी बात कहने के लिए लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, लोग मैदान में आकर नहीं कहेंगे, लोग घर से बाहर निकलकर नहीं कहेंगे। लेकिन वो ये कह रहे कि हिंसात्मक भी हो सकता है। नहीं आ सकती। नहीं नहीं, चीफ मिनिस्टर को तो करना ही है, ये एक नई परंपरा डाल रहे हैं। वही कहना, कल को कोई चीफ मिनिस्टर बंदूक और गोले लेके आएगा तब ये पीछे हट जाएंगे, तब ये इनका कहना होगा कि हम तो महात्मा गांधी की टोपी डाल के आए थे। देखिए आज मंडी वालों ने टोपी डाल रखी। हम धरना और प्रदर्शन को असंवैधानिक, महात्मा गांधी की टोपी डाल के, बात सुनिए, हिंदुस्तान ने अगर आज हमें आजादी पाई है तो इन्हीं धरना प्रदर्शनों के माध्यम से पाई है। पर मुख्यमंत्री ने नहीं दिए। मैं मुख्यमंत्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो धरना प्रदर्शन की बात कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन के ऊपर आप कोई भी अंकुश नहीं लगा सकते। ये धरना प्रदर्शन थे जिस कारण से हम आज आजाद बैठे हैं। राजेंद्र, मैं सेठ साहब ने जो कहा, मैं उसको हिज्जे दर हिज्जे बात कर रहा था। पहला, प्रोटेस्ट मात्र की पैसे एतराज करना एक बात, दूसरा, आज जो प्रोटेस्ट कर रहा है कल को वो वायलेंस करेगा, हथियार उठाएगा, इसको सीधा ही मान लेना, और इसलिए क्योंकि कल को हथियार उठाकर करेगा तो फिर कैसे खारिज करेंगे? हो सकता है, हो सकता है, ये तो ऐसी बात तो होगी। मैं बात पूरी कर रहा हूँ। बिल्कुल आप करें, लेकिन जो जो उन्होंने आशंका जताई, मैं उसी के अंतर में जैसे मैं समझता हूँ वो कह रहा हूँ। उनकी आशंका अपनी जगह वाजिब हो सकती है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। प्रोटेस्ट करने से हम सोचें कि आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, गांधी ने इस देश के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, उसमें कोई कहता कि कल को वो वायलेंस करेंगे तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए। इस देश में सबने किया, वायलेंस जिस दिन होगा उसी दिन वो गलत होगा, ये बात बहुत साफ है। इसमें वायलेंस प्रज्यूम कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं, वायलेंस का कोई तत्व बीच में आएगा तो वो बिल्कुल खारिज किए जाने योग्य है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। इस देश का संविधान प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देता है। इस देश का संविधान कहीं नहीं कहता कि मुख्यमंत्री आप बन गए, आप प्रतिनिधि बन गए तो आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस देश का संविधान कहता है कि आप विधायक बन गए, अब एमपी बन गए तब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जनता की आवाज, आपको अपनी राज्य सरकार से रखना हो तो कोई विधायक एमपी कर सकता है, सेंटर से करना हो तो कर सकता है, और मुख्यमंत्री एक राज्य का प्रतिनिधि होने के नाते। आप लोगों ने ये जो गेस्ट टीचर इनको क्यों उठाया वहां से, इनको धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी तो प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल उनको करना चाहिए। जनता सरकार थ्रेट किया गया, उनको थ्रेट किया गया सर, आप लोगों को हटा दिया। शमशेर जी, कुछ तथ्यों की बात कर लें। नहीं, तथ्यों की बात कर रहा हूं। उन पे आप जानते हैं उन पे कोई लाठी नहीं चली? नहीं, लाठी हरियाणा में कितने आंदोलनों के लाठी क्या होगी जब एक मिनट सर, हरियाणा के बारे में हम जानते हैं किस तरह अध्यापकों पे लाठियां चली हैं, किस तरह किसानों पे लाठियां चली हैं। एक तरीका प्रोटेस्ट से डील करने का वो होता है, एक तरीका होता है उनसे बात करना, एक तरीका होता है। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, दारा जी के मैं एक बात से सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री ये ठीक है। एक सेकंड जी, पुलिस आपके बस में नहीं, एक सेकंड जी, लाठी नहीं चली, एक सेकंड जी, बस में हो तो भी नहीं चलनी चाहिए। आप इस देश के संविधान में लिखा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने गोली चलवाई थी, उसके नेता ने कहा था आज कांग्रेस ऐसा नहीं करती। बात तो सुनिए ना जी, देखिए मुख्यमंत्री बहुत कुछ ऐसा नहीं करता जो कानून अपराध नहीं होता, किंतु पर बहुत सी बातें उनसे अपेक्षित नहीं होती। कभी क्या मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं कि चौराहे पर डांस करने लगे? वो अपराध नहीं है, वहाँ ये भी नहीं होता। मुख्यमंत्री से अपेक्षित ये होता है कि अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए सड़क पे आए, जो नहीं सुन रहा उसे सुनाए। उससे अपेक्षित ये नहीं होता कि दंगे होता रहे और चुपचाप बैठा रहे, जब पूरा गुजरात जलने दे, पूरा राज्य जलने दे। अपेक्षित ये नहीं होते मुख्यमंत्री। उदाहरण देना चाहिए लोगों के लिए कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री का व्यवहार होना चाहिए। बहुत वही उदाहरण दिया है, मुख्यमंत्री पर दरवाजों के पीछे बैठ जाएंगे, लोगों पे हाथ करने की बात करेंगे, लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने एक नया उदाहरण पेश दिया है, एक नई डेमोक्रेसी के उदाहरण पेश किया। एक मुख्यमंत्री ने जो है 4000 पुलिस वाले रात को साइदा ठंड में खड़े डंडा लेके मुख्यमंत्री की सर आप क्या बात करते हैं, मुख्यमंत्रियों की यात्रा निकलती है, आपके हुड्डा साहब निकलते हैं और कभी कभी तो आप भी निकलते होंगे। कितने
कितने सिपाही आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, आपको कभी उनकी चिंता नहीं होती? जिसने प्रदेश का मुख्य आपका नेता निकलता राहुल गांधी, तो कितने लोग उसकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, आपको चिंता नहीं होती? आप थोड़े लोकतांत्रिक तरीके सवाल को उठाइए। वो हमने नहीं किया था, टाइम भी निश्चित इन्होंने किया था। आपको केजरीवाल जी की भी चिंता करनी चाहिए, चिंता कर रहे हैं नहीं, जिन लोगों को आप अपनी सुरक्षा में अपने पीछे पीछे लगाते हैं, आपके लिए लगे रहते हैं, उनकी भी आपको चिंता नहीं है? संपादक जो के नाम मधु बुदरी जी, वो बादरी जी, वो कह रही है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं रख सकती, ये उनकी सम्मान नहीं कर सकती। मधु भादुड़ी के कहने से सच होता है तो सुनिए ना सर, इस देश के कितना महीना आज उन्होंने हरियाणा सरकार पे या कांग्रेस के कितने सरकारों के बारे में क्या कहा, आप भूल गए? आपके केंद्र सरकार के राज्य मनोरमा के साथ क्या होता है, शर्मिला के 14 साल पेंशन के बाद आप क्या करते हैं, भूल गए? भूलते बात यह है कि राणा साहब और कुछ बातों की जानकारी नहीं है। आपको अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में गुणगान करना है, वो आप कर सकते हैं, परंतु आप शर्मिला के बारे में नहीं जानते, आप मनोरमा के बारे में नहीं जानते, आप निर्भया के मामले को नहीं याद रखते। वो जो खेमका का जो कांग्रेस सरकार की जो बेरहमी और बेशर्मी है, उसको डिफेंड करने सवाल की बात हो रही है कि सीधा सवाल किया जाए। सतविंदर जी, लगता है कि वक्त आ गया है कि मौजूदा सरकारें अपने अंदर झांक कर देखें कि व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह से लाने की जरूरत है, क्योंकि जो मौजूदा व्यवस्था है वो परिवर्तन मांग रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो परिवर्तन चाहती है और व्यवस्था में भी चेंजिंग चाहती है, पर जो चेंजिंग का तरीका है, जो आज जो आम आदमी पार्टी की बात है, जिस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उससे जो नौजवान है वो बड़ा चिंतित है। आज जो है हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर व्यवस्था चेंज हो। कैसे बदलेगी फिर? बदलेगी जो है, क्या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने दी, लोकपाल हमने दी, हमें अपने आप को बदलना होगा सबको। हम ये कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने जो चीजें कुछ की हैं अच्छी की हैं, आम जनता के बीच में जाके की है, और आज हमें भी इनको कुछ सीखा है, पर ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आदमी पहले तो दूसरे पे जब उंगली उठाता तो चार उंगलियां उसकी अपनी तरफ होती हैं, इस बात को लेके कि आज ये जो 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 ये बात कह दे वो ठीक है, बाकी सारी गलत है। कभी तो ये लिस्ट निकाल देते हैं भ्रष्टाचारियों की, अपने आप ही जज बन जाते हैं ये। मतलब आज जो है दिल्ली के अंदर एक महीने के अंदर अंदर इतने प्रदर्शन हुए हैं, किस तरह कभी पानी पे धरने पे, कभी कह देते हैं कि बिजली का पैसा कौन ले गया, एक मुख्यमंत्री कैसे बयान दे, तो ये कोई शब्द नहीं है, और इस व्यवस्था को चेंज होना चाहिए। देखिए जी, कांग्रेस सरकार ने इस देश को लूटा है और जी जान से लूटा है, पूरा दम लगा के लूटा है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। आज युवा परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो ये जो बातें कुछ छुटपुट हरकतें हो रही हैं, जो युवा कर रहा है वो हताशा में कर रहा है। तो जब डेफ एंड डम्प ईयर्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो लोग कई बार असंवैधानिक तरीकों पर उतर आते हैं, हमें उसका कॉज भी ढूंढना चाहिए। मैं उसको वो गलत तरीका असंवैधानिक तरीका था, किंतु वी हैव उसकी जड़ में जाने की जरूरत है। हमने अपनी व्यवस्था से उसको वहां पुश किया है, उससे गैर कानूनी तरीका, जैसे वो कहते थे ना कि वो वहां चंबल में डाकू बन गए जब किसी के साथ वो के अन्याय होता था, तो ये इसी प्रकार का कुछ व्यवस्था उनको धकेल रही है इन हरकतों को करने के लिए, और उन्होंने गलत तरीका अपनाया, परंतु व्यवस्था का पूरा इसमें रोल है। जो इन्होंने कहा कि एक क्योंकि, तो इन्होंने जिस तरह बदलाव का कि उसे आप है वादा कि, कर रहे हैं कि हर बात में आपका जब जिक्र आता है, आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है, जो एक डर दिख रहा है जो लूट की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में, वो मुझे एक काफी अच्छा संकेत लगता है कि लोग उनसे डरने लगे हैं। राजीव जी, मैंने उस बात पे डर की बात में नहीं कहा, जब डर होता तो हम आपको समर्थन देते। मैं सर आपका 2 मिनट हो गया, मुझे कहने दीजिए। हां ठीक, विनम्र से कहने दीजिए, 2 ही मिनट है। राजीव, वंशवाद और लूट की राजनीति करने वाली कांग्रेस और उसी तरह की नीतियों को जारी रखने वाली भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह का 60 साल का राज रहा है विभिन्न दलों का, उस राजनीतिक व्यवस्था से इस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उसमें एक निराशा का भाव पैदा हुआ था और ऐसा लगता था कि बदल नहीं सकता। अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी बनी उसके पूरे अभियान से लोगों में एक विश्वास बना है, लोगों को उम्मीद हुई है कि व्यवस्था बदली जा सकती है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। अब देश में दिल्ली में जुड़े लगता है कि देश में जुड़ेंगे, देश में बहुत सारे जन आंदोलनों से लोग जुड़ रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, अब जो जन आंदोलनों से जुड़ रहे थे उनमें एक उम्मीद बनी है कि इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, इस लूट के तंत्र को बदला जा सकता है। पहले नाना, फिर माँ, फिर बाप, फिर दादी, कभी बेटा, कभी आगे बेटा, ये सब जो वंशवाद जो कांग्रेस में होता है, कभी कभी दामाद भी, मैं इसके बाद अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय जी बात जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं उसको बदलेंगे।
सत्ता भी बदलेगा व्यवस्था भी लोग आपकी तरफ भी देख रहे हैं, लोगों ने पता है पहले आपने हमारी तरफ देख रहे हैं, फिर इनके आदमी अपने आप छोड़ते जा रहे हैं इनको, ये जो व्यवस्था है जो सारी जो चेंज करने की बात करते हैं, आप जो सपने देख रहे हैं आपको सिर्फ मीडिया में आने की जी, ऐसे कैसे ऐसे ऐसे बदलाव कैसे आए, के खिलाफ कार्रवाई का जो आज मामला आया उसके लोग अलग से देखेंगे। मेरा सवाल अजय जी, सर वक्त खत्म हो रहा है जी। नहीं, वक्त खत्म हो चुके हैं अजय, मुझे आपसे फाइनल कमेंट लेना है। बात ये है कि सभी पार्टियों के मंथन के बाद बदलाव क्या है, बदलाव ना आया है पिछले 60 साल में। हर बार वोटर किसी आशा से किसी पार्टी के प्रति आकर्षित होता है और हर बार निराशा होता है। स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स दो बार रिपीट कर गई हैं, तीन बार रिपीट कर गई हैं, हम उनको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, चाहे वो शीला दीक्षित की हकीकत क्या होती है, लेकिन वही पार्टी जिसको तीन बार चुना गया उसको इतना मतलब दिल्ली में मतलब इतना छोटा मुंह लेके बाहर आना पड़ा। तो आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिव होप एंड आम आदमी जो है कॉमन वोटर जो है वो गेट्स एल्यूट, जैसे मृग तृष्णा होती है वो देखता है, वो आकर्षित होता है और हर बार निराशा होता है। क्या ये पार्टियां कुछ नया कर पाएंगी, क्या ये अपने आर्गुमेंट्स से आगे कुछ कर पाएंगी, लेट अस सी एंड होप। यही कहूंगा राजनीतिक स्वराज का जो नारा है जनता में एक नई उम्मीद देता है और इससे व्यवस्था बदलेगी। आपको एक अच्छा मंच मिला है अपने अपने दलों के प्रचार के लिए, शुक्रिया आप सभी का। सर वक्त खत्म हो रहा है, चलिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो सवाल उठा है कि क्या ये बदलाव आएगा और राजनीतिक दल इस तरफ कोशिश करेंगे अपने वादों को पूरा करने की, अपने दावों को पूरा करने की जो वो जनता से करते हैं चुनाव के दौरान। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।